हाय, कैसे हैं? आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो भी आप ही के कमेंट से मैंने उठाया है, और बल्कि कमेंट से क्या उठाया है, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे से ओपीडी में भी पूछते हैं, जो मेरे से मिलने आते हैं, दिखाने आते हैं, उनके मन में भी ये वाला प्रश्न बहुत रहता है, और यूट्यूब पे भी बहुत पूछा गया है, लाइव में भी बहुत पूछा गया है। और मैंने कमेंट्स में इसलिए उसका आंसर नहीं किया है क्योंकि थोड़ा समझाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देते हैं, क्योंकि सब लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि फिशर ज़्यादा ख़तरनाक है या पाइल्स, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि फ़िशर ज़्यादा ख़तरनाक है या पाइल्स। अब देखो, ऐसा है कि यार, बीमारी तो बीमारी होती है ना, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी हो, हमेशा ही नुकसानदेह ही होती है ना? ऐसा तो नहीं है कि हम किसी बीमारी को कम आंक सकते हैं किसी चीज़ तरह से, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें कि हम 1 2 3 4 5 करके हम नंबर दें किसी बीमारी को, तो मेरे हिसाब से मैं जिसको नंबर एक पे रखूँगा वो है फिशर और दूसरा है पाइल्स, है ना? अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि अरे नहीं, पाइल्स तो बड़ी बीमारी है, वो तो ज़्यादा बड़ी बीमारी कही जाती है, डॉक्टर साहब ने उसको 2 नंबर पे क्यों रखा है, सेकंड पाइल्स है और फर्स्ट फिशर है। तो मेरा उसके पीछे एक अलग लॉजिक है। एक्चुअली क्या है, फिशर को मैं इसीलिए ज़्यादा ख़तरनाक मानता हूँ क्योंकि फिशर जो है उसमें इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन होने के बाद वो फिस्चुला में कन्वर्ट होता है, जो कि आप कह लो कि मोशन के रास्ते की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है वो, है ना? तो फिशर क्योंकि घाव होता है, ओपन वुंड होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाता है, फोड़ा बन जाता है, तो उसको हम फिस्चुला बोलते हैं, तो ये फिस्चुला में कन्वर्ट होता है। पाइल्स एक ऐसी चीज़ है कि पाइल्स हमेशा आपको पाइल्स ही रहेगा, खून आ जाएगा, थोड़ी बहुत सूजन आ जाएगी, शायद दर्द भी हो सकता है, लेकिन उसमें फिस्चुला बनने के चांसेस नहीं होते हैं, फिस्चुला उसमें नहीं बनता, वो हमेशा पाइल्स ही रहता है। पाइल्स बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ग्रेड उसके बढ़ जाएंगे, कम कम वाला ग्रेड का भी होगा, लेकिन हमेशा वो पाइल्स ही रहेगा। एक हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, मगर वो रहेगा पाइल्स ही। लेकिन फिशर के साथ कहानी ऐसी है कि फिशर जो है वो फिस्चुला में कन्वर्ट हो जाता है, और एक बार अगर फिशर फिस्चुला में कन्वर्ट हो गया तब तो फिर उसमें चार सूत्र ही करना पड़ता है, जो मैंने पिछले वीडियोस में कितने सारे सब बताया है आपको कि चार सूत्र क्या होता है, किन चीज़ों में उसको किया जाता है, फिस्चुला क्या होता है, तो ये चीज़ उसमें करना पड़ती है, जो कि एक बड़ा काम है ना? तो मेरे हिसाब से मैंने फिशर को इसलिए नंबर एक पे रखा है क्योंकि उसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अगर केयर हम ठीक से नहीं करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन होगा, और एक बार इन्फेक्शन हो गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मेरे हिसाब से फिशर ज़्यादा ख़तरनाक है बजाय पाइल्स के, लेकिन ऐसा है कि बीमारी कोई भी हो हमेशा ही नुकसानदेह होती है, और उसको शरीर में ज़्यादा दिन रखना नहीं चाहिए। तो जो भी आपको हो, जितना जल्दी उसको ठीक कर सकें ठीक करें, जिनको नहीं है वो ये कोशिश करें कि उनको इस तरह की दिक्कत ना हो। आयुर्वेद भी यही कहता है कि जो बीमार व्यक्ति है उसको ठीक करो, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करो। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, है ना? तो ऐसी बात है, बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था आपको, फिशर ज़्यादा खतरनाक है पाइल्स, तो मेरे हिसाब से फिशर की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, लाइव का मैंने टाइम जो है अपना चेंज कर दिया है, अब मैं रात में 12 बजे लाइव नहीं आऊँगा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि 12 बजे डॉक्टर साहब दिक्कत होती है, तो मैंने टाइम चेंज कर दिया है, और मैं जो YouTube की पोस्ट होती हैं उसमें मैं अभी पोस्ट डालने वाला हूँ, तो उसमें मैं लाइव का टाइम और डेट तो खैर संडे ही रहेगा, लेकिन टाइम मैं उसमें मेंशन कर दूँगा, और उस वक्त कोई भी अगर मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो उसमें वो पूछ सकता है। और पिछले वाले लाइव में बहुत मज़ा आया, बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे, प्रश्न पूछे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी पूछे, मैंने उसमें आंसर भी दिया है। तो जिन लोगों को अगर कुछ प्रश्न हैं और वो कॉमन तरह के हैं, तो आप पिछले लाइव में जाके उनको देख सकते हैं, मैंने उन सब में आंसर उसमें किया है। और जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो वो लाइव में पूछ सकते हैं, इस कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में भी आप डाल दो, क्योंकि उसी में से मैं कोई ना कोई एक टॉपिक उठा के बना देता हूँ, है ना? जैसे मैंने अभी ये बनाया कि फिशर ज़्यादा ख़तरनाक है या पाइल्स, वैसे ही है ना? तो आप इसमें लिख दीजिए, और बस फटाफट हम नेक्स्ट लाइव में मिलते हैं, संडे में करूँगा, टाइम मैं पोस्ट में डाल दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।